कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश पर विवाद हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश दिया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम और पहचान लिखनी होगी। यूपी सरकार के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को संविधान के खिलाफ बताया है। ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं, यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहाँ मर्जी खाए, जिसको जहाँ मर्जी बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं लेंगे। और इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। आपको दिखाते हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। उन्होंने लिखा है, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है, यूपी उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का पूरा नाम लिखने और मांस बिक्री पर भी रोक का ये चुनावी लाभ के लिए आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास बहुत निंदनीय है।